बैठक सारी व्यवस्था को नगर निगम देख रहा है। मेरी जिला पदाधिकारी और सिटी कमिश्नर से भी बातचीत हुई है। मैंने भी उन्हें निर्देशित किया है, कहा है कि जिन स्थानों पर सफाई कम है आप सफाई को ड्राइव के रूप में लें, और जितने हमारे छठ के लगभग शहर में 36 घाट हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है और ईस्ट ब्लॉक का 3 तारीख को पोलिंग के बाद वहां भी साफ सफाई का अभियान ड्राइव के रूप में लिया जाएगा। प्रशासन मुस्तैद है और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्णिया की जनता को से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि मिट्टी के दीप जलावें, स्वदेशी अपनावें और दीपावली मनावें। दीपावली हमारी जो है अच्छी होनी चाहिए और जो सरकार और प्रशासन ने कहा है कि हम ग्रीन पटाखा का उपयोग करेंगे, प्रदूषण मुक्त दीपावली लोग मनावें, इको फ्रेंडली लोग दीपावली मनावें और भाईचारे के साथ दीपावली मनावें, यही मैं सारे लोगों से, शहरवासी से, ग्रामवासी से अनुरोध करूंगा। और दीपावली एक उत्सव है, इसको हम उत्सव के रूप में मनावें, भाईचारे के रूप में मनावें। प्रशासन भी मुस्तैद है, हम भी मुस्तैद हैं और कहीं पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं हो इसके लिए फायर ब्रिगेड को भी प्रशासन ने हर जगह लगाया है। गुलाबबाग जूट की मंडी है, इसलिए करके आज से यहाँ एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लगाई गई है, अन्य स्थानों पर भी लगाई गई है। कुल मिला करके प्रशासन काम अच्छा कर रहा है और प्रशासन मुस्तैद है। मैं भी अपील कर रहा हूँ, सामाजिक संगठन भी बराबर लगे रहते हैं और उससे भी ज़्यादा हम सबों की जिम्मेवारी है कि हम सावधानी के साथ सारे चीज़ों को देखते हुए और ग्रीन, जो मैंने बार बार कहा कि ग्रीन पटाखा का उपयोग करें, स्वदेशी का उपयोग करें और मिट्टी के दीप का उपयोग करें, इको फ्रेंडली दीपावली बनावें, यही मेरा सारे नौ संदेश।